दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए शेड्यूल आउट हो चुका है, साथ ही साथ बची हुई सभी टीमों का भी शेड्यूल आ चुका है जो कि पहले 15 दिन और 21 मुकाबलों के लिए है, जिसके अंदर हमें टीम केकेआर के केवल 3 मुकाबले देखने को मिलेंगे। अगला शेड्यूल कब आता है इसके ऊपर जो भी डिटेल होगी आपको पता चल जाएगी, बट यहाँ पर अगर टीम केकेआर की बात करें तो उनके 3 मुकाबले हैं SRH, RCB और DC से, बट यहाँ पर हमें टीम केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर थोड़े नाराज नजर आए। अब इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर दोस्तों उनका केवल एक ही मुकाबला 3 में से, एक तो यहाँ पर होम ग्राउंड के ऊपर है जो कि केकेआर के कोलकाता में है, तो उनको एक तो पिच समझ नहीं आएगा किस तरह से पिच बिहेव कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर एक मेन कारण है उनके नाराज होने का, वो ये है कि गौतम गंभीर चाहते थे कि शुरुआती टेंचर के अंदर, शुरुआती मुकाबलों के अंदर एटलीस्ट जब वो टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक मुकाबला या तो चेन्नई के साथ हो, या गुजरात के साथ हो, या फिर मुंबई के साथ हो, और इन तीनों ही टीमों के साथ एक भी मुकाबला टीम केकेआर का नहीं रखा गया है, जिससे गौतम गंभीर थोड़े नाराज है। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या ये जो 3 टीमें बताई गई है, चेन्नई, मुंबई और यहां पर गुजरात, इनमें से एक मुकाबला टीम केकेआर का शुरुआत में हो सकता था।